यहाँ जो हरियाणा में रोज एक के बाद एक परत खुल रही है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, नौकरियां बिक रही हैं, तमाम फर्जीवाड़ा हो रहा है। गुड़गांव में नमाज खुले में नमाज के नाम पे अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, तो जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। सांप्रदायिकता के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, वो सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के जनता को विभाजित करते हैं, आपस में लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दोनों भंग होने चाहिए? मैं सुरेंद्र सिंह, राज्य सेक्रेटरी CPIM। किस मतलब की मांगों को लेकर जो आज का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारे पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन चल रहे हैं जी। और इसमें एक मुद्दा जो हमारा था, वो जो किसान आंदोलन जिस बात को लेकर के लड़ रहा था, और इस बात के लिए हम बधाई देंगे देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को, कि उनके आंदोलन के दम पे आखिरकार केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन अभी भी जो किसानों की जो अधूरी लड़ाई अभी बची है, मांगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, उसका हम समर्थन करते हैं। जितने भी मुकदमे झूठे किसानों के खिलाफ बने वो सब रद्द होने चाहिए। और हरियाणा की सरकार ने जो इसी मौके के ऊपर भूमि अधिग्रहण के कानून में जो संशोधन करके बड़े कॉरपोरेट के लिए भूमि हथियाने का जो कानून किया है वो वापस लेने की बात है, और इसके साथ साथ बिजली बिल 2020 जो प्राइवेट करने की है उसको वापस लेने की बात है। साथ ही यहाँ जो हरियाणा में रोज़ एक के बाद एक परत खुल रही है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, नौकरियाँ बिक रही हैं, तमाम फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमने पहले भी मांग की थी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दोनों भंग होने चाहिए। ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये ऊपर तक के तमाम लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, और हरियाणा के नौजवानों के साथ बहुत ही क्रूर एक व्यवहार हो रहा है। अनेकों पेपर लीक हो चुके, अनेकों तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये सब लोग जितने भी हैं, एक जुडिशरी इंक्वायरी हो जिसके तहत तमाम मुख्य कल्प्रिट पकड़े जाने चाहिए। मनरेगा के तहत लोगों ने काम कर रखा है, पेमेंट नहीं हो रही है, काम मिल नहीं रहा है, उनको मिलना चाहिए। राशन में जो कटौतियाँ की गई हैं वो बहाल की जानी चाहिए। सरसों का तेल मिलता था, नहीं मिलता, दाल मिलती थी, नहीं मिल रहा है, वो बहाल होना चाहिए, इसको मजबूत किया जाना चाहिए। और जितनी भी ये आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को जो बेचा जा रहा है, ये पाइपलाइन बना करके पूरे देश को बेचने का जो फैसला किया है, रोडवेज क्या, बिजली क्या, शिक्षा क्या, स्वास्थ्य क्या, हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं। और ये जो इन्होंने निगम बनाया है कच्ची नौकरियां भर्ती करने का, हमारा ये कहना है कि लाखों नौकरियां आज हरियाणा के विभागों में खाली पद हैं, सब के सब भरे जाएं, स्थाई नौकरी हो, और जितने कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं दसियों साल से, उन सबको पक्का नौकरी मिलनी चाहिए। मैं सुभाषिनी अली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, मैं CPIM की पॉलिट ब्यूरो की मेंबर हूँ, महिला समिति की उपाध्यक्ष हूँ, मैं सांसद भी रही हूँ। दो साल तो कोरोना में प्रदर्शन और नारे ये सब काफ़ी बंद हो गए थे, लेकिन हमारी पार्टी ने हरियाणा में पिछले एक महीने से इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अभियान चलाया है, और आज प्रदर्शन है, वो कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन होगा, और तमाम मांगे हैं। मनरेगा के मजदूरों को काम भी कम मिल रहा है, और जो 315 रुपये की मजदूरी है, जब अंबानी और अदानी को 1,000 करोड़ रुपए रोज़ की कमाई है, ऐसी हालत में हमारी सरकार 315 रुपए इनको रोज़ नहीं दे पा रही है, इनकी तमाम मजदूरी बाकी है, नहीं मिल रही है। मिड डे मील की जो हमारी महिलाएं हैं, स्कूल बंद होने के कारण उनको भी काम नहीं मिल रहा है, तमाम परेशानियों से लोग घिरे हुए हैं। राशन में इन्होंने कहा पैसे देंगे, अब पैसे देने का मतलब ये है कि पहले अगर 2 किलो तेल मिलता था, अब अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें 1 किलो तेल भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब कटौती हो रही हर चीज़ में जो गरीब के हक की है। और ऐसी परिस्थितियों में जब किसानों की इतनी बड़ी जीत हुई है, इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था, हरियाणा का किसानों का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, तो उनकी जीत से निश्चित रूप से पूरे देश में, हरियाणा पंजाब में बहुत खुशी की लहर के साथ साथ हिम्मत बहुत बढ़ गई है लोगों की, कि सरकार को झुकाया जा सकता है, हराया जा सकता है।
देखिए ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती है, ये कुछ करना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग सबको किसान आंदोलन से ही सीखना है कि कैसे लड़ा जाता है और कैसे अपनी एकता को बनाए रखते हैं। इस सरकार के पास, बीजेपी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वो सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के जनता को विभाजित करते हैं, आपस में लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। किसानों ने इनकी सांप्रदायिक प्रचार को सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया, आज लेकिन उनका प्रचार चालू है। अभी आप देख रहे हैं गुड़गांव में नमाज के सवाल को लेकर के वो क्या कर रहे हैं। तो लोगों को इनके प्रचार को समझना होगा, इससे बिल्कुल इनकार करना होगा और अपनी एकता को बनाए रख के किसानों की तरह लड़ करके जीतना होगा। आज का जो प्रदर्शन है ये जन समस्याओं को लेके तो है ही है, साथ के साथ जो महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले बढ़ रहे हैं आज के समय में, उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है। क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों 4 ऑनर किलिंग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो अपनी पसंद से शादी करना चाह रहे थे। ऐसे ही सोनीपत के अंदर एक युवा खिलाड़ी लड़की और उसके भाई का मर्डर कर दिया गया, रेप की आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। गुड़गांव में नमाज खुले में नमाज के नाम पे अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, मेवात में को भी इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी आज हम इस प्रदर्शन में आवाज़ उठा रहे हैं और इसीलिए जनवादी महिला समिति भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर रही है। मुख्य रूप से जो केंद्र में मोदी और राज्य में खट्टर की जो सरकार है, उसकी जो जन विरोधी नीतियाँ, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। रोजी रोटी और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रदर्शन है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को भी उठाया। जैसे एक तो मनरेगा के जो नियम है, कानून है, उसको यहाँ पे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा, ना काम दिया जाता और ना कार्यस्थल पे जो नियम लागू करने होते हैं वो लागू हो रहे, और ना ही समय पे पैसा मिलता। एक तो हमारी ये मांग है कि मनरेगा में लोगों को काम मिलना चाहिए। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कैथल जिला के अंदर टॉप जो 5 जिले हैं उनके अंदर यदि देखें तो डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप यहाँ पे ले रही है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, पहले एक दौर था जब मच्छर मार दवाई का छिड़काव होता था, लेकिन अब नहीं होता। कोई डेंगू का मरीज मिलता है जब जाके फॉगिंग करते हैं, इससे पहले कोई नहीं। हमारा ये कहना है, एक तो जिला कैथल में 133 जो स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों के, लेकिन हैं यहाँ पे 40, उस 40 में से भी 9 अनुपस्थित हैं। मतलब क्या इलाज होएगा? आप सरकारी हॉस्पिटल जो है 55 स्वीकृत पद हैं, इसमें से केवल 25 डॉक्टर हैं यहाँ पे, और जिसमें 25 में से भी 9 आ नहीं रहे। मतलब लोगों का इलाज ही नहीं हो रहा, लोगों को लूटना पड़ता है प्राइवेट उसके अंदर। एक तो हमारी ये मांग है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी वहाँ पे भर्ती होनी चाहिए ताकि लोगों को इलाज ठीक से मिल सके।